हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फूड कार्ट। आज हम बनाने वाले हैं स्वीट कॉर्न सूप। स्वीट कॉर्न सूप बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। स्वीट कॉर्न सूप बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप स्वीट कॉर्न लिया है मैंने, और 1 कप ये आपको कॉर्न पेस्ट दिख रहा है। मैंने ऐसे ही स्वीट कॉर्न लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसका पेस्ट बना लिया मिक्सी में पीस कर। तो इस तरह से आप भी दोनों चीजें रेडी रखें। और उसमें डालने के लिए सब्जियां ली हैं मैंने, यहाँ बीन्स ली है तो आधी कटोरी बीन्स है और आधी कटोरी गाजर है और हरी प्याज है। और उसे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ लिया है अदरक और लहसुन, तो 3 कली लहसुन की मैंने कट करके लिया और थोड़ा अदरक लिया है। स्वीट कॉर्न है इसलिए उसे स्वीट करने के लिए मैंने यहाँ 2 चम्मच चीनी ली है, काली मिर्च ली है, काली मिर्च पाउडर है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे कम डालें, बड़ों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। कॉर्नफ्लोर हमें सूप को गाढ़ा करने के लिए लेना है और मैंने लिया है ओरिगेनो। ओरिगेनो बिल्कुल ऑप्शनल है, रेस्टोरेंट वाले नहीं डालते हैं, पर मुझे बहुत पसंद आता है इसका टेस्ट तो इसलिए मैं डालती हूँ। आप चाहें तो आप भी डाल सकते हैं। और मैंने लिया है आधा नींबू। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप विनेगर का भी यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैं ले रही हूं थोड़ा बटर। बटर जैसे ही मेल्ट हो रहा है हमें इसमें डालना है अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन के बाद ही हम डाल देंगे सारी सब्जियां। सब्जियां भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अब मैं डाली हूँ इसमें काली मिर्च, डाल दे रही हूँ हरी प्याज। हमें सब्जियों को कुक नहीं करना है क्योंकि बॉईल तो हो ही जाएंगी, बस हल्का सा सौते करेंगे। हमें जितना सूप चाहिए हम उस हिसाब से पानी डालेंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ, मैंने अभी आधा लीटर लिया है, थोड़ा पानी और लूंगी। यहाँ मैं थोड़ा पानी और ले रही हूँ। अब हमें इसमें बॉईल आने देंगे। देखिए बॉईल आ गया है। अब मैं यहाँ जो हमारा ये पेस्ट है, कॉर्न का पेस्ट, ये भी इसमें मिक्स कर दूंगी। अब मैं ये साबुत वाला कॉर्न भी इसमें डाल दूंगी। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे हम। आप बीच में टेस्ट करके भी देख सकते हैं, अगर आपको कम या ज्यादा लगे तो आप और बढ़ा घटा सकते हैं। मैं डाल रही हूँ चीनी। अब इसे हम अच्छा बॉईल होने देंगे। मैं डालेंगे लेमन जूस, इससे थोड़ी खटास आ जाएगी, नहीं तो फीकापन लगता है इस सूप में। अब ये अच्छी तरह जब बॉईल हो जाएगा हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, उसे गाढ़ा करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। फिर हमें उसका गाढ़ापन, जितना गाढ़ा चाहिए उतना, बहुत गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी कॉर्न का पेस्ट डला है तो बहुत जल्दी ये गाढ़ा हो जाएगा। और सूप बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना गाढ़ा होना चाहिए कि सूप जीभ में चिपके नहीं। 1 चम्मच और डाल देती हूँ। इसे थोड़ा कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर करने के लिए हम 1 से 2 मिनट तक इसे कुक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सूप बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें मिला दे रही हूँ ओरिगैनो और गैस को कर दे रही हूँ ऑफ।
अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सूप बिल्कुल रेडी है। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे सूप की। देखने में ये जितना सुंदर है, पीने में उतना ही टेस्टी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।